लपके जलती हुई से आपको पता चलेगा कि वो गाने मतलब रेट्रो थीम है, जो मेलोडियस गाने जिसके शब्द अच्छे हैं और जो गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था म्यूज़िक का, उस समय के गाने हमने चुने हैं जो अक्सर लोगों को आजकल कम सुनाई देते या स्टेज पे भी गाए नहीं जाते, ऐसे हमने गाने चुने, वेरी मेलोडियस वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स। और कोशिश हम ये करेंगे कि इस शो में अलग अलग रंग के हम गाने गाएंगे, अलग अलग सिंगर्स जो हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं और हज़ारों साल तक बसे रहेंगे, तो वो मतलब ये कानों के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीट रहेगा। मतलब इसमें शोर कम होगा और अच्छे गाने, मेलोडी ज़्यादा होगी। तो जो भी गाने में का पुराने जैसे आपने बोला जी, इतनी यादें ताज़ा हुई उस चीज़ को लेके, क्योंकि इतने सालों से आप इसी इंडस्ट्री में हैं जी, तो यादें ताज़ा हुई होगी उससे रिकॉर्डिंग को लेकर, या जब भी आप जी कैसा मतलब नहीं, ये सब गाने गाते हुए मुझे वो समय याद आया जब मैंने 86 में पंचमदा का पहला गाना गाया था जलजला में, और उस वक्त से कई सालों तक 8-10 सालों तक मैंने भी लाइव रिकॉर्डिंग की है, उसका अनुभव किया है 80 म्यूजिशियंस के साथ, मतलब डबिंग नहीं कुछ नहीं, अगर कोई भी गलती करता तो दोबारा पूरा, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, को सिंगर, म्यूजिशियंस, अरेंजर, डायरेक्टर सब मिलके एक चीज़ बनाते थे, तो नेचुरली गाना अच्छा होता था। तो जो अभी आपने जो अगर सुने होंगे या शो में जो देखेंगे, वो ऐसे गाने हैं जिसकी बहुत प्रैक्टिस हुई थी और उसके बाद बहुत बार मतलब इनको लाइव, ये जितने भी गाने आप सुनेंगे ना, ये कोई डबिंग वाला गाना नहीं कि एक लाइन गलत हुई तो दोबारा पंच किया, वन ये लाइव गाने हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी, आम जनता इन गीतों को अकेले में सुनना पसंद करते हैं, उसी तरह हम लोग भी, हम कलाकार भी, ये हमारे पसंदीदा गाने, हमारे मतलब बहुत दिल के करीब हैं, और इसलिए हमने ऐसे गानों को चुना। और कई यादें हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी भाई, पंचमदा, राजेश रोशन जी की, तो ये गाने गाते वक्त, रियर्स करते वक्त भी हमको वो ज़माना याद आया कि प्यारे भाई कंडक्टिंग कर रहे हैं या कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई कंडक्टिंग करते हैं, तो वो हम लोगों को इस वक्त रिहर्सल में और उस दिन भी आप देखोगे कि सारा जो ऑडियंस है और हम लोग म्यूजिशियंस भी सारे उस दौर में पहुँच जाएंगे जब म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट था, शायरी इम्पॉर्टेंट थी, और ऑफकोर्स ये जिन्होंने गाए हैं हम लोग उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो यादें हम लोगों के पास पहुँचाएँ। आप बताइए सब आ गए हैं तो साथ में नहीं ले? नहीं वो तो आएंगे आप सर, लोग के पास इतना डर और खुशी मिल रही है सर के आने में, और सर बेसिकली बताइए कि क्या है को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो खुद भी गाएंगी, और मेरे साथ बहुत ही सीनियर गायिका बेला सुलाखे जी हैं, जो किशोर दा के अगर आपने पुराने वीडियोस देखें तो उनके साथ डुएट्स किशोर दा बेला जी के साथ ही गाते थे, और वाजपेयी जी हैं हमारे, इनकी बहुत बड़ी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, सनी जी हैं जो मुकेश जी के गाने गाते हैं, और सुजाता जी, ये जो हम सबको इकट्ठा करना, ये सुजाता मिश्रा जी ने किया, और इस कार्यक्रम का सबसे मतलब पॉजिटिव साइड जो मैं कहूँगा यूएसपी, वो एक बहुत ही दिग्गज रिदमिस्ट अरेंजर, और जो खयाम साहब के राइट हैंड थे और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ जिन्होंने काम किया, राज शर्मा जी, इन्होंने ये ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया, तो जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए सब कहते हैं ना सीनियर हैं, और जिनको जो म्यूज़िक में हमेशा के लिए डूबे हैं,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो अच्छा गाना सुनने वाले जिनको इच्छा होती वो ज़रूर मतलब इस शो को पसंद करेंगे। जी हाँ, बहुत ही जैसे कि सुदेश जी ने कहा, उन लोगों को हमने मैंने किशोरदा के साथ काम किया है, उनको लाइव सुना है, उसके बाद अब जब मैं स्टेज पे गाती हूँ सब लोगों के साथ, मेरा मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल रहता है जब मैं सुदेश जी के साथ गाती हूँ। आप देखेंगे इस प्रोग्राम में कुछ गाने हैं जो आम तौर पर मैं स्टेज पर नहीं गा सकती, क्योंकि वो गाने सिर्फ सुदेश जी के साथ पॉसिबल है। जैसे कि सिलसिला का गाना, मैं अभी कह रही थी किसी को कि वो गाना अमिताभ बच्चन का गाना है लता जी के साथ, वो गाना इनके साथ अभी मैं गाऊंगी इस शो में, बहुत मज़ा आएगा। एंड इट्स लाइक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक क्या होता है ना, जब तक रिहर्सल नहीं होती तब तक अंदाज़ा नहीं आता कि कैसे होगा क्या। रिहर्सल के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। राज जी के साथ अभी मुझे बहुत पहली बार कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रेशन, बहुत टीम वर्क अच्छा है और गाने भी बहुत अच्छे अच्छे चुने हैं, तो सुनने वालों को बहुत, इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल ट्रीट। मैं आपसे चाहूँगा कि रिसर्च सर ने बताया कि आप सब कुछ अरेंज किया, आप मैनेज किया, तो उसके बाद उनके एसोसिएशन के साथ ये म्यूजिकल और सोनवी इवेंट्स करा रहे हैं। मैं धन्यवाद तो पहले सबसे पहला देना चाहूँगी सुदेश सर, सुदेश भोसले जी को, जो एक कॉल पर हमेशा हमारे लिए हाँ कर देते हैं कि यस मैं अवेलेबल हूँ, मैं डेट दूँगा, और इतना कोऑपरेटिव। एंड मैं सुदेश जी को इसलिए भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पहली बार हम बेला जी के साथ जुड़े हैं और सर ने ही मुझे बेला जी से मिलवाया, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूनम राज जी जो म्यूज़िकल वारा की चेयरपर्सन है, फाउंडर चेयरमैन, अनिल जी एंड सनी सिंह जी, वॉइस ऑफ मुकेश रफ़ी साहब के लिए अनिल जी हैं, और राज जी हमारे सबके बहुत सीनियर, मेरे प्रिय अनुज सुरेश जी जो उस तरफ हैं सिर्फ, तो सब बस एक टीम की तरह हमने काम किया, एक फैमिली की तरह, एंड रेस्ट अप टू गॉड। गुरु जी आपका सफर कैसे शुरू हुआ, मतलब आज की बात तो करने के रिहर्सल किया, और सुदेश सर के बारे में बताया कि आपने एसोसिएट किया, वो कितना गर्व वाली बात है आपके लिए, पहली बार के पहले भी आपने किया? जी पहले हमने म्यूजिकल ऑरा के अंडर काम नहीं किया, लेकिन मैं रविंद्र जैन जी की स्टूडेंट हूँ और उनके साथ हम लोग शोज़ करते हैं। आज भी जो दिव्या भाभी शोज़ कराती हैं उन सब शोज़ को हम करते हैं, वहाँ पर सुदेश जी के साथ हमने काम किया, और हमें सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि म्यूज़िकल ऑरा और सोनवी के साथ सुदेश जी जुड़े हैं, क्योंकि जो लाइव परफॉर्मेंस होती है उसमें गाने तो सब अच्छे गाते हैं, लेकिन एक जो परफॉर्मर होते हैं जैसे सुदेश जी एक हरफन मौला कलाकार हैं और वर्सिटाइल हैं, तो एक तो उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स भी हमें सुनने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि ओरिजिनल सॉन्ग्स को हम देख रहे हैं, और वो इतने अच्छे परफॉर्मर हैं कि सबको देखने में सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, तो ये भी एक बात थी। और जैसा सर ने बताया कि हमने बहुत मेलोडियस गाने और रेट्रो वाले लिए हैं जो सब सुनना चाहते हैं, किशोरदा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, और उनके लिए जो है अनिल वाजपेयी जी एक रफ़ी साहब के लिए जाना माना नाम है जो उनको गाते हैं, और सनी सिंह जी हैं जो पैशनेट एक सिंगर उनको कह सकते हैं, अब जुड़े हैं सिंगिंग से और मुकेश जी को गाते हैं, और राज शर्मा जी बहुत सीनियर हमारे म्यूजिशियन हैं और साथ में दादा के वजह से हम जुड़े थे दादू के साथ, और बहुत ही अच्छा वो उनका अरेंजमेंट रहता है। हमने म्यूज़िकल ऑरा में भी उनके साथ पहले कई शोज़ किए हैं, अतुल्य भारत किया था, रंग रंगीला, नारी शक्ति, बहुत सारे शोज़ किए थे, रेट्रो नाइट्स भी की थी, तो उनके साथ हमेशा बहुत ही मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं और काम करते हैं, और म्यूजिशियंस के लिए एक अलग रिस्पेक्ट हमेशा से हमारे मन में रहती है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है, म्यूजिकल टॉक्स विद पूनम राज, जिसमें राज शर्मा जी का इंटरव्यू भी लिया हुआ है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो उनके साथ हमारी एसोसिएशन, और बहुत खुशी हुई जैसे अभी बेला जी ने भी बताया कि एक रिहर्सल देख के हमें अच्छा लग रहा है, और बेला सुलाखे जी की मैं पर्सनली बहुत फ़ैन रही हूँ हमेशा से, मैंने उनसे जब पहली बार बात की तो यही बोला कि इतनी अच्छी सिंगर हैं वो और इतनी सीनियर हैं और इतना मीठा गाती हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े और सर जुड़े, तो हमें बहुत ही आज खुशी हो रही है कि सब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, और पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें सुरेश तिवारी जी हैं जो हमारी टीम है, और सुजाता जी का अपनी भी एक कंपनी है सोनवी इवेंट्स, और यहाँ पर हम दोनों मिलके ये इवेंट को कर रहे हैं। सुदेश जी के साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए बहुत बड़ी है, इट्स एन ऑनर।
आई थैंक एवरीबडी, यू नो ऑल, जैसे बताया गया हिंदी में वर्ड दिग्गज, बिल्कुल दिग्गज है मेरे लिए और ये मेरा ड्रीम रहा है हमेशा और आई एम गेटिंग दैट ड्रीम फुलफिल्ड विद दिस शो, सिंगिंग एंड शेयरिंग स्टेज विद टॉप लीडिंग सिंगर्स. थैंक यू सो मच. सुनिए, गाने का चयन हो गया है, कौन से कैसे गाने होंगे यहाँ पे सुहा सफर में? जी हमने इसमें कोशिश की है कि नॉर्मली जब मुझे लोग स्टेज पे देखते हैं तो उनको लगता है कि अब धमाल मस्ती होगी, नाच गाना होगा, मतलब मिमिक्री कॉमेडी होगी, तो उसमें थोड़ा मैंने अपने आप को एक लगाम लगाई है और हमने कोशिश की है कि कुछ बहुत ही अच्छे गाने जो अक्सर आपको स्टेज पे बहुत कम सुनाई देते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टेज पे नहीं होते, तो ऐसे कुछ अलग हटके गाने. और जब मैं हूँ तो नेचुरली बहुत सी आवाज़ें होंगी, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, बाला सुब्रमण्यम जी, और हेमंत कुमार जी, सचिन दा, पंचम दा, और सुदेश भोसले, शायद अगर आवाज़ ढूंढ पाया तो ये भी हो. तो कोशिश ये करते हैं कि वैरायटी हो इसमें और अच्छी धुन वाले गाने ही होंगे, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग जैसे हेमंत दा के फैंस के लिए तो एक डुएट हमारा उनके लिए मुकेश जी का है, मतलब इस शो में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और साथ में जो लोग मुझसे उम्मीद रहे थे वो धमक धमक भी होगा. तो सारे चयन हो चुके गाने की, सब 50 कितने गाने हैं? जी 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 जी, पूरे 3 घंटे का शो है, अभी इतने गाने हो गए कि हमको शायद कुछ गाने कम करने पड़ रहे हैं. हमने जोश में आके ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, जब गाने गिने तो पता चला कि 5 घंटे का शो है, तो अभी रिहर्सल में वही हम लोग कर रहे हैं कि जो बेस्ट है वो अभी से निकाले ताकि ऐन मौके पे वहाँ के पे अच्छे गाने कट ना हो. ये भी धन है क्योंकि कई बार रीटेक वो कहते हैं कि वंस मोर भी लोग कहते हैं. हाँ वो भी हाँ, वो सारा मार्जिन रखा. इस शो में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्लो मेलोडियस एंड डांस नंबर्स, मतलब जो धमाल मस्ती के लिए जो ऑडियंस को नचाने वाले गाने वो भी हैं और जो दिल तक पहुंचने वाली मेलोडी वो भी है. सो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन. अब वो तो उस दिन फिर लोग आएंगे उनको देख उनके लिए कुछ तो रहना चाहिए, या शायद आप लोग यहाँ सुन के लोग ज्यादा आए ये भी हो सकता है, तो दो गाना दो लाइन हो जाए. जी जी हाँ सुनाएंगे अभी ऐसे तो आई डोंट नो किस एक डुएट कोशिश करते हैं, लेकिन ये शो में नहीं होगा तो इसलिए अभी आप सुन सकते हैं. याद किया दिल ने कहा हो तुम, घूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम. हाँ ये शो आने वाली 15 तारीख को, मतलब 2 ही दिन में, षणमुखानंद ऑडिटोरियम में ठीक 7 बजने में 15 मिनट पहले हम शुरू करेंगे. तो ये इंडियन टाइम में शुरू नहीं होगा, प्रॉपर टाइम में, तो लोगों को भी ये कहेंगे कि हम वक्त पे आइए ताकि शुरू के 5-6 गाने आप मिस ना करें, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होती है, तो 3 घंटे में मैक्सिमम हम अच्छे गाने और मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे. और ये ऑरा इवेंट्स म्यूजिकल, ठीक है, और एक कंपनी इनकम टैक्स के लिए शुरू कर सकते हैं, म्यूजिकल ऑरा प्रेजेंट्स सुहाना सफर ज़रूर आइए. और आपसे भी सबसे मैं विनती करूँगा कि हमारे शो को प्रमोट करें, और सबसे विनती करूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, और हम वादा करते हैं, कोशिश करेंगे और वादा भी करते हैं, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं. वाँ वाँ। तो हम वादा करते हैं कि
कि ये जो शाम है एक यादगार शाम रहेगी। बिल्कुल, और हम आप सबको भी इनवाइट करते हैं कि आप सब भी आइए। एक बात, टिकट दर वाजिब रखे गए हैं? बिल्कुल वाजिब वाजिब रखे हैं, रेशन कार्ड लेके आइए। लेकिन सर कलर भी बता, सर कलर भी बता दीजिए, वो अलग अलग कलर के अलग अलग। हाँ सर, ऑरेंज वाले के लिए अलग, व्हाइट वाले के लिए अलग अलग है। आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग, हम सभी कलाकारों के लिए क्या बोले, शुभकामनाएं कीजिए। और हमारी ये जो टीम है उस दिन 15 तारीख को कामयाब हो, और इस शो को देखकर हम सभी कलाकारों के लिए और भी लोग फरमाइश करें कि हम ये शो बार बार करते रहें। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, बाकी हम तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे देने की। थैंक यू।